हया की बेहयाई और बगैरती और मुर्तसिम का अंधी मोहब्बत अंधा भरोसा और मीरब का जो है बेवकूफियां और मरियम का दीवानापन, इन चारों ने इस घर को बर्बाद कर दिया, इज्जत तहस नहस कर दी। आखिर भाग गई, बोला था ना आपको ये भाग जाएगी, भाग गई। मीरब ने भगवा दिया, इज्जत दाव पर लगा दी। आज वो मलिक जुबैर के साथ बेड पर पड़ी हुई है और उसकी इज्जत मलिक जुबैर के हाथ में। आज लो जी जमीन भी ले गया, वो जमीन भी दे दी और केस भी वापस हो गए। मलिक जुबैर तो हो गया आज़ाद, ठीक है, अब आज़ाद मीरब भी हो गई। मीरब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा दिया ना हया ने बेहयाई करके, वो आप लोग कभी नहीं भूल सकते। अब मीरब भी इस घर से चलती बनेगी। अब मीरब को भी आउट कर दिया गया, बाहर छोड़ के आए, बोला जाओ बीबी, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी बगैरती की, इस खानदान को डुबोने की। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो मुर्तसिम का भी अब जो है ना जो जनून था इश्क का, वो अब उतर गया। मरियम का तो उतरा ही उतरा, उसको तो ऐसी प्यार मिला कि उसके तो उल्टी आ जाए बंदे को, इतना ऐसा उसको प्यार मिला। दुश्मन से, भाई के दुश्मन से जाके भाग गई और शादी कर ली, भाई के दुश्मन के साथ भाग गई और उससे शादी करने जा रही थी। फिर उसने बताया, भाई मैं तो तुम्हारे भाई का दुश्मन हूँ, मैंने तो बदला लेने के लिए तुम्हें पकड़ा है। क्या ही बात है जी, क्या क्या चल रहा है। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, ड्रामा तेरे बिन में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं तेरे बिन ड्रामा स्टोरी, जहाँ हम बताते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स। और आज जो इस एपिसोड में हुआ, आपने देखा किस तरीके से मुर्तसिम ने मलिक को कॉल की और उसको कहा कि भाई मुझे तो मेरी बहन हर कीमत पे चाहिए, वरना तो मैं तहस नहस कर दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज सुबह होने से पहले मुझे मेरी बहन हाजिर चाहिए। मलिक साहब ने जो है उसको कॉल की, मलिक मुख्तियार साहब ने अपने बेटे को कॉल की, मलिक जुबैर को समझाया, काफ़ी समझाया कि ये बगैरती ना कर पुत्र, बाज आ जा, मार बड़ी पड़नी है। लेकिन उसने बोला, अब्बा जी इस दफ़ा मैं नहीं मानूंगा, इस दफ़ा मैं तुहाडा भी अब्बा बन गया, तो मैं जेड़ा ना जमीन ले के रहनी है। वही बात हुई, मुर्तसिम को उसने कॉल की मलिक जुबैर ने कि भैया मुझे तो ज़मीन चाहिए, मेरे अब्बा को फ़ोन कर जिसको कर। और मलिक मुख्तियार ने भी बोल दिया कि मेरे बेटे को भले मार दो, कुछ भी कर दो, मेरा कोई जिम्मा नहीं, मुझे नहीं मारो, मुझे बख्श दो, ऐसी गंदी औलाद से मैं ऐसे ही अच्छा हूँ। मलिक जुबैर भी सामने हो गया, बोलता जी मैं कुछ भी कर लो, मुझे जायदाद चाहिए मेरी, और मुझे जो है इसके अलावा वो केस भी वापस लो जो मर्डर का तुमने मेरे ऊपर किया गया, मुझे आज़ाद करो इन मामलात से। और मुर्तसिम साहब भी मान गए, पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन जब देखा सनम अपने ही बेवफा निकले, मीरब ने जो बगैरती की हुई थी वीडियो सामने आ गई, फिर खुद मान भी गई। जनाब एक अच्छी आदत है मीरब की कि ये झूठ नहीं बोलती, सच बोल के और मान भी जाती है, ये मज़ेदार बात है इस लड़की की। दूसरी तरफ माँ बेगम ने हया को बोला कि ये जो तुमने बगैरती की है ना, तुम्हें तो पता था, तुमने क्यों नहीं बताया। तो फिर कहती है कि मेरी तो बात आप लोग सुनते ही नहीं थे, आप लोग उसको झूठा कर देते थे, मुझे झूठा कर देते थे, मीरब को सच्चा कर देते थे, मैंने तो तभी नहीं बताया, मैंने बोला इस बार सारे राज फाश करूंगी। हया ने जो बेहयाई की ना इस खानदान को डुबोने में, मेन किरदार हया का है। हया अगर ये बगैरती ना करती तो कभी भी इनको पता ना चलता। दूसरी तरफ व्यूअर्स, मैं बताता चलूं कि जो काम मलिक जुबैर ने किया है, नहायत ही घटिया बद नस्लों वाला काम किया। आप ये देखें कि मलिक जुबैर का जो बाप है वो भी खानदानी था, उसने भी देखें इस चीज को समझा, उसकी दुश्मनी अपनी जगह, उसने इस चीज को समझा और अपने बेटे को बोला कि बेटा ये हरकत नहीं करो, ये हरकत दुश्मनी में भी अच्छी नहीं है, आपको कोई मसला है आप उनकी लड़की उनकी इज्जत वापस करो, आप वैसे बाद करो। लेकिन उसने तो बोला बद नस्ले ने कि अब्बा जी मैं तो उन जमीन ही लेनी है, मैं तो पीछे नहीं हटना। तो फिर अब जनाब आ जाओ मैदान में, जमीन तो तुम्हें मिल जाएगी, छोड़ेगा तुम्हें भी नहीं, वो भी मुर्तसिम खान है जिसका नाम है, जिससे तुमने पंगा लिया है, अभी तो वो अपनी बीवी के चक्कर में तुम्हारे पास आएगा और तुमसे ले जाएगा ना
तुम्हें पेपर दे के उसको मरियम को ले जाएगा, पर छोड़ेगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो बैठ जाएगा? कभी नहीं बैठेगा मुर्तसिम खान, आप देख लेना। ये बहुत भारी पड़ेगा जो ये हरकत इसने की है ना मलिक जुबैर ने, मुर्तसिम कभी भी नहीं बैठने वाला। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि मीरब जो है वो दर बदर होने जा रही है, घर से बाहर होकर आउट होकर अपनी बेवकूफियों की वजह से हया की चलाकियां कामयाब हो गई हैं। मरियम जो है आप वापस आएगी, लेकिन एक अच्छा पॉइंट मैं आपको आज बता दूं, मरियम जो है वो मीरब के लिए लड़ेगी और बताएगी कि उसका कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी थी, मैंने जिद की। और ये सारे मामलात में मीरब जो है, मरियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से मीरब वापस आ जाए। लेकिन मीरब तो पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी। और दूसरी तरफ जो मैं लग रहा है हया के साथ ना माँ बेगम शादी कर दे, क्योंकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा, हया ने अपना रास्ता साफ कर दिया है मरियम को, मीरब को घर से निकलवा कर हया का रास्ता साफ हो गया। अब वो मुर्तसिम को बोलेगी मैं शरीफजादी, मैं इज्जतदार लड़की, मैं तुम्हारी ताबेदार फर्मा बरदार, और मुझसे कर लो शादी, मैं तुमसे इश्क करती हूँ, मैं तो तुम्हारे इश्क में मरी जा रही हूँ, मुझसे कर लो। पर इतनी आसानी से हया मुर्तसिम तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, जो बगैरतियाँ तुमने की हैं। और मज़ेदार बात एक और बताता चलूँ कि सबसे जो कमाल का डायलॉग लगा ना, अच्छा जैसे ही मुर्तसिम मलिक जुबैर के पास से छुड़ा कर मरियम को ला रहा होता है, तो आखिरी एक तारीखी डायलॉग जो है वो मारता है मलिक जुबैर कि तुम्हारी बीवी ने कहा था मैं वादे की पक्की हूँ, मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगी। ओए हो, ये डायलॉग जो मारा ना, ये तो सब पे बाजी ले गया भाई। मुर्तसिम को तो वहीं शर्म से पानी पानी कर दिया बेचारा, रोने वाली शक्ल बना के मुर्तसिम वहां से निकला और बहन मरियम को पकड़ के ले जा के माँ बेगम के हवाले किया, बोला इस निकम्मी नलायक औलाद को पकड़ो संभालो, इसने जो हमारी इज्जत बर्बाद की। दूसरी तरफ व्यूवर्स, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार होने वाली है, तो नेक्स्ट एपिसोड भी हम देखेंगे, उस पर भी अपनी कमेंट्स करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।